बॉलीवुड जगत के सबसे टॉल एंड हैंडसम अभिनेता अभिषेक बच्चन आज मिले ही अपनी मिस वर्ल्ड वाइफ ऐश्वर्या राय के साथ सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। पर एक टाइम पर इनकी वजह से बॉलीवुड की दो सहेलियां करिश्मा कपूर और रानी मुखर्जी के बीच जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से उनका सुकून खत्म हो गया था। पर आपको बता दें, ये दोनों ही अभिनेत्रियां पक्की सहेलियां हुआ करती थी, पर अभिषेक बच्चन की वजह से एक टाइम पर ये दोनों ही एक दूसरे की जानी दुश्मन बन गई थी। लेकिन इनके बीच में अभिषेक बच्चन को लेकर किस वजह से वाद विवाद हुआ, क्यों और कैसे अभिषेक बच्चन ने इन दोनों अभिनेत्रियों को आपस में लड़वाया, आइए हम इसी उलझी हुई पहेली को सुलझाते हैं। पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बॉलीवुड जगत में बिग बी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन ने अपने परिवार में कुछ खास सफलता नहीं पाई है, पर इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही लाइमलाइट में रही है। और जब इन्होंने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की थी, तब भी इनकी शादी ने बहुत अधिक सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन जब अभिषेक बच्चन का लव अफेयर अभिनेत्री करिश्मा कपूर और रानी मुखर्जी के साथ रहा, तब भी इन्होंने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी थी। और अभिषेक बच्चन की वजह से ही बॉलीवुड की ये दो फेमस सहेलियां आज भी इतने सालों बाद एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करती। अभिनेत्रियां एक दूसरे से आज भी इतनी ज्यादा नफरत करती हैं कि एक साथ उठना बैठना तो दूर, एक दूसरे के साए से भी बहुत दूर भागती हैं। और उसकी पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि अभिनेता अभिषेक बच्चन हैं, जिन्होंने इन दोनों ही अभिनेत्रियों के साथ प्रेम प्रसंग करके उनके बीच में दरार डाली है। जी हाँ, ये बात उस समय की है जब अभिनेता अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था। इनका सबसे पहला अफेयर 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और प्यारी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साथ रहा, जो इनसे उम्र में पूरी 3 साल बड़ी थी। करिश्मा ने अपने करियर की शुरुआत 1991 में प्रेम कैदी मूवी से की थी, जिसमें ये अभिनेता राहुल रॉय के साथ नजर आई थी। और फिर 90 का दशक खत्म होते होते करिश्मा कपूर बॉलीवुड की सबसे हाई पेड एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी, जिससे हर कोई अभिनेता शादी करने का सपना देखता था, जिसमें कभी अभिनेता अक्षय खन्ना का भी नाम शुमार था। लेकिन करिश्मा कपूर का दिल आया सिर्फ और सिर्फ अभिनेता अभिषेक बच्चन पर, जो इनके इन लॉज के रिश्तेदार थे। जी हाँ, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभिनेता अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन की शादी कपूर खानदान के बेटे निखिल नंदा से हुई थी, जो करिश्मा कपूर के कजन ब्रदर लगते थे। ऐसे में अभिषेक बच्चन का कपूर खानदान में आना जाना था और एक पार्टी के दौरान करिश्मा और अभिषेक मिले थे। दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और एक दूसरे से बातचीत भी करने लगे। करिश्मा अभिषेक से इतनी ज्यादा आकर्षित थी कि इन दोनों ने आपस में दोस्ती से ज्यादा एक रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना सही समझा। इसलिए दोनों ने 3 साल तक अपने परिवार की रजामंदी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया। करिश्मा अपने करियर में इतनी कामयाब थी कि ये चाहे तो किसी भी अमीर अभिनेता से शादी कर सकती थी, पर इन्होंने और से शादी करने की बजाय अपने प्यार को अपना हमसफर बनाना सही समझा। वहीं अभिनेता अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत भी नहीं की थी, पर फिर भी करिश्मा इनसे शादी करने के लिए तैयार थी। और साल 2000 में अभिषेक बच्चन ने फिल्म रिफ्यूजी से अपना डेब्यू किया, जो करीना कपूर यानी कि करिश्मा की छोटी बहन की भी डेब्यू मूवी थी। और इसी दौरान अभिषेक और करीना एक दूसरे को जीजा साली मानते थे। यही वो टाइम था जब करिश्मा ने अभिषेक से सगाई कर ली थी, पर जब शादी की बात आई तब करिश्मा की माँ बबीता ने बच्चन खानदान के सामने कुछ शर्तें रख दी, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन ने इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा। बबीता चाहती थी कि अमिताभ बच्चन अभिषेक के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दें, ताकि फ्यूचर में उनकी बेटी को तकलीफ ना हो। साथ ही हम आपको ये बताते चले कि साल 2000 के आसपास अमिताभ बच्चन का करियर पूरी तरह से डगमगाया गया था, जिसकी वजह से अमिताभ फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे थे। और जब उनके सामने इस रिश्ते की शर्त रखी गई, तब उन्होंने करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता खत्म कर दिया। साल 2001 में इतना सा ख्वाब है मूवी के दौरान इनकी मुलाकात बॉलीवुड की बबली एक्ट्रेस रानी मुखर्जी से हुई, जिन्हें ये अपना दिल दे बैठे हैं। वहीं रानी मुखर्जी भी अभिषेक बच्चन को चाहने लगी। रानी मुखर्जी अमिताभ बच्चन की काफी फिल्मों में एक साथ नजर आ चुकी थी, इसलिए इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। पर आपको बताते चलें कि करिश्मा कपूर और रानी मुखर्जी बॉलीवुड की दो बेस्ट फ्रेंड हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद करती थीं। पर जब करिश्मा को पता चला कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने उनके एक्स बॉयफ्रेंड से अपना रिश्ता जोड़ लिया, तब इन्होंने धीरे धीरे रानी मुखर्जी से दूरियां बना ली। रानी ने करिश्मा से इसका कारण पूछा, तब करिश्मा ने उन्हें झाड़ते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से अपना दिल लगा लिया? वो जिसने मुझे धोखा दिया वो तुम्हें भी धोखा देगा। वो सिर्फ अपनी फैमिली की सुनता है, उनकी बातों पर चलता है, वो तुम्हें प्यार
प्यार कभी नहीं दे सकता। इतना सब कुछ अभिषेक बच्चन के बारे में सुनने के बाद रानी मुखर्जी से रहा नहीं गया और वो करिश्मा पर चिल्ला पड़ी। करिश्मा पर चिल्लाने के साथ साथ रानी ने करिश्मा से ये सारी यारी भुला दी, ये भी भुला दिया कि करिश्मा ने बुरे वक्त में उनका कितना साथ दिया था। पर प्यार के आगे रानी मुखर्जी अंधी हो गई थी, इसलिए उन्होंने करिश्मा की एक बात नहीं सुनी और रानी मुखर्जी ने अभिषेक बच्चन को तकरीबन 2 साल तक डेट किया। लेकिन जब बात इनकी शादी तक पहुंची तब जया बच्चन ने रानी को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह थी ब्लैक मूवी में अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के बोल्ड सीन्स। जी हाँ, जया नहीं चाहती थी कि उनके घर की बहू वो अभिनेत्री बने जो उनके पति के साथ पहले ही बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन्स कर चुकी है। ऐसे में वो कैसे ऐसे अभिनेत्री को अपने घर की बहू बना सकती है। और रानी मुखर्जी से भी अभिषेक बच्चन ने अपने परिवार के कहने पर अलग होना बेहतर समझा, क्योंकि अभिषेक बच्चन अभी भी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में वो अपने माता पिता के खिलाफ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते थे। और रानी मुखर्जी का दिल जब टूटा तब उन्हें अपनी सहेली करिश्मा कपूर की याद आई और उन्हें समझ में आया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड ने अभिषेक बच्चन के बारे में जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही निकला। पर रानी मुखर्जी क्या करती, उस समय उन्हें अभिषेक बच्चन के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। पर इन्होंने करिश्मा कपूर का साथ छोड़कर उनकी दोस्ती तोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, जिसका उन्हें पछतावा भी बहुत हुआ। लेकिन रानी मुखर्जी ने बाद में करिश्मा को काफी समझाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश भी की, पर फिर भी करिश्मा ने रानी मुखर्जी को माफ नहीं किया। और आज भी 20 साल बाद करिश्मा कपूर और रानी मुखर्जी एक साथ कहीं नजर नहीं आती, क्योंकि करिश्मा ने अभी भी रानी मुखर्जी को माफ नहीं किया। उन्हें यह बुरा लगा कि रानी मुखर्जी ने एक लड़के के लिए अपनी पक्की वाली दोस्ती तोड़ दी। तो कुछ इस तरह से बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड की दो पक्की सहेलियों के बीच में आग लगाई, उनकी दोस्ती में दरार डाली और इन दोनों सहेलियों ने आज तक अभिषेक बच्चन के चलते ही एक दूसरे से बातचीत नहीं की और लगता है ये आगे करने वाली भी नहीं है। तो दोस्तों, क्या इन अभिनेत्रियों को एक शख्स की वजह से एक दूसरे का दुश्मन बनना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।